सोच लोगे आज इतनी जल्दी जल्दी। ये है राइस, ये है शाही पनीर, दाल मखनी। उठ भाई उठ, चल चल भैया। अभी उठ रहा है, उठ भाई चल। हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द माय यूट्यूब चैनल अनु श्रीवास्तव ब्लॉग। और आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो यार आप सोच लोगे आज इतनी जल्दी जल्दी क्या है। तो यार आज ऐसा सीन है, हमने पिछले संडे प्लान बनाया था कि पराठे खाने जाने के लिए संडे को सुबह। यहाँ दो तीन जगह है, एक अशोक विहार है और उसके बाद एक है जीटी करनाल पे सुखदेव उधर। तो मगर हम जा रहे हैं हाँ पंडित जी। तो अभी बज रहे सुबह का 7:30। तो यार सीन ऐसा है कि हम उठ गए थे 5:30 बजे, 5:30 बजे हम उठ गए थे। और अभी हम हैं पेट्रोल पंप पे और अभी बज रहे सुबह के 7:30। तो भाई शायद स्कूटी में आगे वाले टायर में शायद पंचर, तो वही दिखाने आए थे मगर यहाँ दुकान बंद है तो सोचा कि पेट्रोल ही भरवा लें। और ये रहा आदेश। बुरा सुमित, बुरा राहुल भाई और पेट्रोल भरवाने गया विशाल भैया। तो चलो मिलते हैं आपसे सीधा आगे रास्ते में और फिर बताते हैं पहुँच के आप। वो अलग होती है, ट्यूब जो ट्यूब वाली होती है, ट्यूब का अलग ही होता है वो। हाँ ये रहा ये रहा। पंचर है पंचर है पंचर है इतना सा। तो लो भाई हम पहुंच चुके हैं पंडित जी, ऐसा कुछ दिखता है यहाँ। और भाई भीड़ यहाँ इतनी तगड़ी थी मत पूछो, बाहर तो इतनी भीड़ थी। और ये है पंडित जी का मेन्यू, यहाँ जो जो पराठे हैं उन सबके रेट लिखे हुए हैं।
और ऐसा कुछ था, यहाँ चाय वगैरह सब मिलती है। तो भाई चलो खाते हैं पराठे और आपको मिलते हैं फिर। पहुँचे पंडित जी पराठे वाले जो अशोक विहार में है। ये खुल जाते हैं सुबह 6 बजे और रात में बंद होती 11 बजे, क्योंकि हमें पहले पहले लगता था कि ये 24 घंटे है, मगर ये ऐसा नहीं है। ये अभी थोड़ा ऐसा हो गया है कोविड की वजह से कि बस सुबह 6 बजे खुलता है और रात के 11 बजे बंद हो जाता है। तो अभी हमने बुक कराया है आलू पराठा और कुल्हड़ वाली चाय, तो आती है तो मैं फिर आपको दिखाता हूँ। भाई अभी हम पूछते टेस्ट कैसा है पराठे का और चाय का। तो सुमित टेस्ट कैसा भाई? सुमित आदेश और विशाल भैया, राहुल भैया, भाई टेस्ट है? और तुम्हारा भाई, तुम बताओ। मेरे को तो भाई ठीक लगा, पर घर के जैसे लग रहा था भाई, थोड़ा डिफरेंट है, बड़ा है, बटर है, अमूल मक्खन। और तेरा, तू बता भाई? 50 रुपये में ये पराठा बहुत बढ़िया है। चलो तो भाई हमने चाय पराठा खा लिया, मगर इतना कुछ खास नहीं था। चाय तो एकदम गंदी थी, एकदम ऐसा लग रहा पानी। तो यार यही था। तो और अभी हम जा रहे हैं, तो भाई अभी हम जा रहे हैं घर, और शाम को एक जगह और जाना है। तो भाई यही है, खा लिया, नींद भी आ गई, तो मिलते हैं। तो यार सीन ऐसा है कि मैं सुबह आने के बाद सो गया था। सोने के बाद मैं अभी जस्ट 1 घंटे पहले उठा हूँ मुखर्जी नगर। और भाई अभी हम जा रहे हैं मुखर्जी नगर, जहाँ अनलिमिटेड खाना मिलता है 149 में, 150 रुपये में। तो वहाँ जा रहे हैं क्योंकि आज हम पूरे दिन से बाहर ही घूम रहे हैं और बाहर का ही खाना खा रहे हैं। तो भाई जहाँ जा रहे हैं वहाँ अनलिमिटेड मिलता है, वहाँ वो ये शॉप खुल जाती है सुबह 10 बजे से रात के 11 बजे तक। लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट सब होता है वहाँ। तो यार आओ चलते हैं और मिलते हैं आपसे सीधा रास्ते में। तो भाई फाइनली अभी हम पहुंच चुके हैं चाचा चौधरी, जो है मुखर्जी नगर में। और अभी टाइम हो रहा है 9:42, 10 बजने वाले, 15 मिनट बाकी है। तो यार अभी हम पहुंच चुके हैं, तो अभी मैं दिखाता हूँ आपको चाचा चौधरी का कि क्या क्या है। यहाँ ऐसा सीन है कि यहाँ ना भीड़ बहुत ज़्यादा है, हद से ज़्यादा भीड़ है। तो यहाँ भाई ऐसा होता है, अंदर जाते हैं काउंटर पर, अपना नंबर और कितने जने हैं वो लिखवाते हैं, और उसके बाद जब नंबर से उनको बुलाना होता है
तो वो ऐसे बुलाते हैं, कॉल करके बुलाते हैं जब नंबर आता है, तो उसके हिसाब से हम अंदर जाते हैं। तो भाई चलो आपको अंदर दिखाते हैं, और जो भी सीन होता है मैं आपको अंदर दिखाता हूँ कि क्या क्या मिलता है 149 में, क्योंकि 150 रुपये में अनलिमिटेड खाना है, जितना मर्जी दबा के खाओ। बाकी चलो जो भी होता है मैं आपको दिखाता हूँ। 150 रुपया देगा। तो मैं आपको बाहर से आपको दिखाता हूँ चाचा चौधरी का वेट। तो भाई ये है चाचा चौधरी जो मुखर्जी नगर में, ऐसा दिखता है कुछ बाहर से। और भाई यहीं मिलता है 150 रुपये में अनलिमिटेड खाना, जितना खाना है खाओ। तो यार ऐसा कुछ है, तो चलो मैं आपको अंदर दिखाता हूँ कि क्या क्या है। हेलो भाई, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। चलो भाई था, मैंने वो लिया, बाकी सबने अपने अपने पसंद का लिया है। तो वेट में आपको, ये है राइस, ये है शाही पनीर, दाल मखनी, गुलाब जामुन, चाउमीन, फ्राइड राइस और मंचूरियन, मैंने भाई ये लिया है। और बाकी इनसे हम भाई मैंने ये लिया, बाकी हम इनसे रिव्यू लेते हैं कि खाना का टेस्ट कैसा है। तो भाई खाने का टेस्ट कैसा है? खाने का टेस्ट एकदम लाजवाब है, 150 रुपये में पूरा भरपेट खाना मिलता है यहाँ पे, और टेस्ट इतना अच्छा है कि मैं तो भाई रोज आऊँगा यहाँ पे खाने के लिए। आदेश तो यार सीन ऐसा है, अभी हमने खाना पीना खा चुके हैं और अभी बज रहे रात के 11। तो यार खाना तो यार बहुत था, जिसे बोलते हैं ना कि अनलिमिटेड खाना, यार एक बार में ही आपका पेट भर जाएगा, क्योंकि थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में आप लोगे और सब चीज़ खाओगे तो ऑब्वियसली सी बात है आपका पेट भर ही जाना है। तो फिर अगली बार लोग नहीं, जैसे पार्टी वार्टी में होता है वैसे ही वही हिसाब है यहाँ भी। मगर खाना एक नंबर का था, जो बोलते हैं ना एक नंबर खाना था भाई। तो भाई यही था यहाँ का, तो अभी चलते हैं, जाते जाते वही 12 बज जाने, क्योंकि अभी बज रहे 11 और एक घंटा तो लगेगा ही, घूमते फिरते जाएंगे और अभी खाना खाया। तो भाई फैमिली को लेके आना, बहुत मज़ा आने वाला है यहाँ, क्योंकि ये फैमिली के साथ में ही बैठ के और फ्रेंड के साथ में ही बैठ के बहुत मज़ा आने वाला है यहाँ। तो भाई मैं आपको बोलता हूँ कि आप ज़रूर आओ, देखो अच्छा है, बहुत बहुत सेफ्टी से खिलाते हैं भाई, बहुत अच्छे से खिलाते हैं ये लोग, और जो बोलते हैं। तो यार चलो फिर मिलते हैं आपसे सीधा रास्ते में। और तो भाई हम सारे यहाँ, हम 6 जने आए थे, और ये रहा सुमित, ये रहा आकाश, बहुत टेस्टी खाना था, मज़ा आ गया, और ये रहा विशाल भैया, इतना झकास खाना था ना, इतना मज़ा आया कि पूरा क्या फैमिली के साथ रहना चाहिए, खाने पास कोई एक्सप्लेनेशन करने के लिए पूरा खाने पाए, मज़ा आ गया बहुत। मैं नेक्स्ट टाइम अपनी फैमिली के साथ आने वाला हूँ। हेलो, और ये रहा मेरा दूसरा भाई राहुल भैया, है और करियो और मार्क लगा लिया है और करना हो तो ये।
भाई ऐसा कुछ था आज का सीन। आज हम सुबह 5 बजे से जगे हुए, 5 बजे से घूम ही रहे हैं। बस आके मैं पंडित जी से आया था, जब मैं सो गया था उसके बाद फिर निकल गया था मैं मुखर्जी नगर चाचा चौधरी, वहाँ देखा आपने। तो यार ऐसा कुछ था, यही था हमारा वीकेंड मस्ती संडे लाइव। तो भाई इस ब्लॉग को भी प्यार देना और कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ब्लॉग का कौन सा पार्ट अच्छा लगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन पीस आउट, गुड बाय बाय।